हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू गणित वाला वीडियो। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है उसमें तीन चीजें हैं, सरफेस मतलब पृष्ठीय या फिर सतह इसको कहते हैं, दूसरा है एरिया मतलब क्षेत्रफल, और तीसरा है वॉल्यूम मतलब आयतन। तो सतह को हमेशा वन यूनिट मतलब वॉल्यूम मीटर में कैलकुलेट करेंगे, मीटर या सेंटीमीटर में, जिसकी पावर सिर्फ एक होगी। क्षेत्रफल को हमेशा पावर दो में कैलकुलेट करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, और इसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब मीटर क्यूब में करते हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से अलग अलग ज्यामितीय चित्रों के लिए, अलग अलग जो है मेंसुरेटिव फिगर के लिए, हम इन तीनों के फार्मूलों का स्टडी करेंगे, इनके फार्मूलों को जानेंगे, और इन तीनों के फार्मूलों के आधार पर हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कैसे करते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ मुख्य सूत्र हैं, मुख्य सूत्र हैं मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बताऊंगा। तो पहला फॉर्मूला सबसे क्या है इसमें आपका, मैं नोट कर रहा हूँ, आप भी लिखिए। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आपका होता है सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ, ठीक है, घन घनाभ दो तीन होते हैं ना, क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। इसका फॉर्मूला होता है टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला ठीक है ऐसे ही, सरफेस एरिया किसका, क्यूब का मतलब घन का, वो कितना होता है, वो होता है 6a स्क्वायर। यहाँ ए क्या है, साइड है, ये ऐसे जब बनता है, ऐसे क्यूब बनता है, तो इसमें जो ए साइड है ये वाला, ऐसे ये 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो दो फॉर्मूले हो गए मेन। चलिए, अब इसी प्रकार से इसके और फॉर्मूले क्या क्या है, तो तीसरा फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2πRh, ओके। चलिए, ऐसे ही चौथा है, जैसे कर्व्ड सरफेस हुआ तो ऐसे ही क्या हो गया, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कितना होता है, तो ये होता है 2πR और ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक ना। ऐसे ही पांचवा देखिए आप, जैसे हो गया कोन के लिए, अब देखेंगे आप सन के लिए क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये कितना होता है, तो ये होता है आपका पाई आर और एल। और छठवा सेम फार्मूला टोटल के लिए, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन ये कितना होता है, तो ये होता है आपका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये फॉर्मूले कुछ मुख्य हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में आप आगे भी देखेंगे, ये फॉर्मूले हो गए ना, नोट कर लीजिए इसको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल, टोटल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ, कर्व का मतलब खोखला पृष्ठ, ठीक है, सिलेंडर के लिए, ऐसे ही कोन के लिए। आगे देखिए आप, मुख्य मुख्य फॉर्मूलों को मैं बता के फिर क्वेश्चन बताना चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अब बात बारी आती है स्फेयर की, है ना। तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, देखिएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πR स्क्वायर, ओके। अब
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो ये होता है 2πr² ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो ये होता है आपका 3πr² ओके। अब बात आती है किसकी? क्यूबॉइड की, घनाभ की, वॉल्यूम में क्या क्या होता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? ये होता है एल इंटू बी इंटू एच, है ना। ऐसे ही घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है ए का पावर 3। ऐसे ही सिलेंडर का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h ओके। ऐसे ही कोन का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है 1/3 πr² h, ठीक ना। ऐसे ही वॉल्यूम ही आप देख रहे हैं, आयतन का ही फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है? गोले का आयतन, तो ये तो फेमस है 4/3 πr³, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर मतलब अर्ध गोले का आयतन क्या होता है? तो ये कितना होता है? इसे भाग दे देंगे 2 का, हो जाएगा 2/3 πr³, ठीक ना। अब बात आती है किस पर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इन सभी फॉर्मूलों पर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूँ। देखिए जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है और आपको पहले ही क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर किसी गोले की त्रिज्या मतलब आर कितना हो? 11.2 सेंटीमीटर हो, और आपसे पूछा जाए कि इसका वैल्यू मतलब आयतन बताइए, तो क्या करेंगे आप इस केस में? तो इस केस में आप जो है सॉल्व करेंगे और लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो फार्मूला रखेंगे आप 4/3, पाई का मान कितना? 22/7, और आर क्यूब का मतलब 11.2 का पावर 3, ओके ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन सबको इसको, तो कितना हो गया? 22 88/7 21 गुड़े 11.2 का पावर 3। तो सॉल्व करने के बाद ये आपको क्या मिलेगा, चेक करिएगा, आपको मिलेगा 5887.32 सेंटीमीटर पावर 3 है वॉल्यूम में क्यूब, ठीक ना। ये होता है इस तरीके से आप किसी भी गोले की दी गई त्रिज्या से आप उसका आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए इस प्रकार से मूव करेंगे हम किस पे, दूसरे क्वेश्चन पे, कि वो क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए आप दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया है कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले की त्रिज्या अगर है 10.5 सेंटीमीटर, है ना, तो आपसे इसका आयतन पूछ रहा है, मतलब गोले का आयतन पूछ रहा है, मतलब वी पूछ रहा है, और आपसे इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, ये दोनों कितना होगा, ओके। तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको जो दिया गया है आर बराबर कितना? 10.5, इसको क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं 21/2 सेंटीमीटर, ठीक ना। और हमको ये पता है कि V बराबर कितना होता है गोले का आयतन? 4/3 πr³, इसमें आप रखेंगे इसको, तो 4/3 × 22/7 × 21/2 का पावर 3, और इस चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या मिलेगा, वही 88/21 × 21/2 का पावर 3। तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आयतन कितना हो गया? 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इसका क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला ही मैंने लिखवाया था, क्या होता है देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठ
गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है 4πr², तो इसमें आप रखेंगे तो 4×22/7×21/2 इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22×88/7×21/2 तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1386 cm². ठीक है, 1386 cm², तो इसका मान कितना हो गया 1386 cm². तो इस तरीके से आप दी गए त्रिज्या की मदद से उसका आयतन और उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूले की हेल्प से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर जो भी हो, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है UPPSC 2017 में। ठीक है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा इसको पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 150 cm². ठीक है, तो इसका आयतन कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप, आपको जो दिया गया है आप मानेंगे, माना भुजा, भुजा कितना a बराबर 6 cm है। ठीक है, आपने ऐसा माना कि जिसके भुजा है वो कितनी है, भुजा ही मान लीजिए a सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² और इसका मान यहाँ दिया गया है, तो 6a² बराबर कितना, 150, तो a² बराबर 25, तो a बराबर 5 का स्क्वायर, इसका बराबर तो a बराबर 5 cm। तो अब आप इसका आयतन बता सकते हैं कितना होगा, आयतन घन का आयतन कितना होगा, अभी बताया था मैंने, बताइए घन का आयतन p बराबर कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1³, तो मतलब v बराबर 5³, 5×5=125, तो v बराबर 125 cm³। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके UPPSC 2017 में पूछा गया है। अब इसी इस क्वेश्चन से आप एक जो है इसी पेपर से एक क्वेश्चन और है जो है इस चैप्टर का, उसको भी आप देखिए। क्या कह रहा है, लास्ट पे क्वेश्चन है इस सीरीज का, कह रहा है कि एक शंकु मतलब कोण व गोले की बराबर त्रिज्या है, एक शंकु व गोले की बराबर त्रिज्या, एक शंकु व गोले की बराबर त्रिज्या और बराबर आयतन, त्रिज्या ही बराबर है और आयतन भी बराबर, गोले को व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात, आयतन है ऐसे, तो गोले के व्यास व शंकु के ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछ रहा है, बस नहीं, शंकु और गोले के बराबर त्रिज्या बराबर आयतन है, तो गोले के व्यास शंकु की ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछ रहा है। चलिए क्या कह रहा है, देखिए जो कह रहा है उसी क्वालिटी में लिख देंगे सीधा, ये कह रहा है गोले की त्रिज्या और बराबर आयतन है। ठीक है, तो हमें त्रिज्या उसे बताना है, त्रिज्या का मतलब आर और ऊंचाई का मतलब एच, तो मान लीजिए कि आर और एच आपस में बराबर है, तो आयतन बराबर में मतलब क्या है कि यहाँ गोले का आयतन मतलब 4/3π r³ ये, और 1/3π r² h, ये आपस में बराबर है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने में आप क्या मिलेगा, r स्क्वायर से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमको r/h = 1/4। ओके,
और यहाँ 2r होगा, तो ये इससे कट जाएगा, दो दो नीचे आर, ठीक ना। तो कितना बच गया आपको, मिला r बटे h बराबर 1/2, मतलब ये 1:2 के अनुपात में होगा ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए, इन सभी फॉर्मूलों पर आप क्वेश्चंस अपने मन से या बुक से या प्रैक्टिस सेट से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए इस पर आप बेसिक क्वेश्चन एग्जांपल ज़रूर करिए, और इसमें कहीं से भी अगर आपके अंदर कोई डाउट आता है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमसे बिल्कुल इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को डालिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, और जिसमें कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर कंपटेटिव तक मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसका कि नाम मैं नहीं अभी ओपन करूँगा, अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एकदम हम 9th क्लास के ख़त्म होने की कगार पर हैं, ठीक है। तो मुश्किल से 1-2 वीडियो और बनेगा, फिर 9th क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।